हेलो भाई लोग, कैसे आप लोग? आप देख रहे हो प्ले मेमोरियल यूट्यूब चैनल। तो भाई लोग, आज हम लोग इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पांच ऐसे टिप्स जिसे आप अगर अपनाते हो तो आप एक दिन में प्रो प्लेयर बन सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आप एक दिन में प्रो प्लेयर बन सकते हो। बस आपको करना क्या है, हमारे वीडियो को एंड तक देखिए और चलिए तो देखते हैं वो पाँच प्रो टिप्स है क्या। बिना देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो आपको करना क्या है, तीन स्टेप करना है भाई लोग, आप जल्दी से जल्दी कर दो। पहला स्टेप क्या है, नीचे दिए गए लाइक बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक करना है, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और पास बने बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना। तो चलिए दोस्तों देखते हैं ये पांच प्रो टिप्स क्या है। तो जल्दी से भाई लोग ये तीन स्टेप्स कर दो, जो करना कर दो जल्दी से, और कमेंट कीजिएगा आप पाँचों टिप्स कैसा लगेगा। गाइज यहाँ पे हमारा पहला टिप्स ये है कि जब भी आप लैंड करो तो सबसे पहले आसपास देख लो कि कोई इनेमी उतर तो नहीं रहा है, अगर उतर रहा है तो आप फटाफट गन लूटो और उसको तरफ मारने के लिए दौड़ पड़ो, फटाफट उसके तरफ दौड़ने पड़ो। तो चूंकि यहाँ पे हमारे साथ कोई नहीं उतरा है, अगर उतरता तो हम फटाफट गन लूटते और यहाँ पे हमको स्कार मिल गया है। जैसे ही आपको एनिमी अगर आपके साथ उतरा, आप फटाफट उसके साथ उसको मारने के लिए दौड़ पड़ो, हल्ला बोल कर दो उसके ऊपर। तो गाइज यही था मेरा पहला टिप्स। यहाँ पे तो अभी फिलहाल कोई बंदा नहीं उतरा है, तो पहला टिप्स यही है कि जब भी आप लैंड करो आप अपने आसपास हमेशा देख लिया करो कि कोई बंदा तो नहीं उतरा, और हमेशा उसे मारने के लिए दौड़ पड़ो। कोई भी गन मिले, कोई छोटू गन भी मिले तो हमेशा दौड़ने के लिए, उसे मारने के लिए दौड़ पड़ो। जब पूरा क्लियर कर लेना आसपास, उसके बाद ही लूट करना अच्छी तरीके से, ठीक है। तो गाइज पहला टिप्स यही। गाइज हमारा सेकंड टिप्स है कवर। कवर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है। जब भी आप इनेमी पे फाइट ले रहे हो, हमेशा कवर लेना जरूरी है। अगर कवर नहीं लोगे तो आप तुरंत मारे जाओगे, इसलिए जब भी आप किसी एनिमी से फाइट लो हमेशा कवर लो। या अगर आपके पास ग्लूवाल नहीं हो तो परमानेंट कवर लो, कोशिश करना परमानेंट कवर जैसे घर हो गया, पेड़ हो गया, ठीक है। हमेशा जब भी फाइट करो तो पेड़ से पीछे ही रहो और कवर लो। ग्लूवाल भी लगा सकते हो, ये कहाँ लगा दिया मैंने, कोई बात नहीं। हमेशा कवर लेकर के खेलना है। जब भी आप एनिमी दो गोली मारो फिर कवर पे आओ, फिर गोली मारो फिर कवर पे आओ, ठीक है। तो थर्ड टिप गाइस हमारा यही था कि कवर बहुत इंपॉर्टेंट है, कवर नहीं रहेगा तो आप तुरंत मारे जाओगे, ठीक है। तो मैं यही था थर्ड टिप्स, सेकंड टिप्स दोस्तों क्या था कि कवर लेना बहुत ही जरूरी इसमें। तो गाइस यहाँ पे थर्ड टिप्स ये है कि जब भी आप किसी एनिमी को मारो, देखिए राइट साइड में मैंने एक पुतला खड़ा कर दिया है जो क्लासिक में मिलता है। जब भी आप एनिमी को मारो तो कभी भी लेफ्ट साइड से मत मारो, राइट साइड से मारो। क्यों? क्योंकि जो हमारे जो ये गोली मारने वाला जो एम आता है वो हमेशा राइट साइड में रहता है, और जब भी हम राइट साइड से मारते हैं तो हम फुल्ली कवर में रहते हैं, हमें थोड़ा सा ही कवर से कुछ छोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो टिप्स को नंबर थ्री यही है कि आप हमेशा राइट से मारो। अगर लेफ्ट से मारते हो तो हमें पूरा कवर छोड़ करके एनिमी को मारना होता है। अभी आपको मैं दिखा देता हूँ थर्ड में कैसे मारना है। अगर पूरा नहीं निकलना तो थोड़ा सा मारना है, ठीक है, हमेशा निकल फिर तुरंत कवर में आ जाना है राइट साइड में। तो देखिएगा, आप गौर कीजिएगा, जब जो भी प्रो प्लेयर रहते हैं वो हमेशा राइट साइड से ही मारते हैं, चाहे ग्लूवाल हो चाहे ना हो, वो हमेशा ग्लूवाल के बीच पीछे से वो राइट साइड से ही मारते हैं। तो दोस्तों थर्ड टिप्स यही था कि हमेशा राइट साइड से मारना चाहिए। तो चलते हैं चौथे टिप्स की ओर। तो गाइस आ गए हम लोग चौथे टिप्स में। तो चौथा टिप्स हमारा ये है कि जब भी आप एनिमी को मार रहे हो, ठीक है, तो अगर मान लीजिए वो उस घर में है, खिड़की पर है वहाँ पे उस घर में, तो आप जब भी उस पर रस करोगे तो हमें कभी भी सीधा इस तरह मत दौड़ना, ठीक है, कभी भी सीधा मत दौड़ना एनिमी के सामने, कभी भी सीधा मत दौड़ना। क्यों? क्योंकि हेड पड़ने के बहुत ज़्यादा चांस है। अगर आपको उस खिड़की पास जाना ही है तो सबसे पहले इधर इस टावर का कवर लेंगे हम, उसके बाद अगर इधर से अगर एम बन रहा है उस पर तब लेंगे, फिर किसी पेड़ पर ऐसे टेढ़ा टेढ़ा करके, मतलब सीधा नहीं दौड़ना है। अगर आप सीधे आप दौड़ोगे एनिमी के पास तो वो तुरंत से हेड लग जाएगा। अगर एनिमी चाहेगा भी नहीं हेड मारने को तब भी लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो जब भी ये खास बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप एनिमी पे रश कर रहे हो तो कभी भी सीधा दौड़ करके एनिमी पास मत जाना। तो दोस्तों ये था चौथा टिप्स।
तो बढ़ते हैं पांचवे टिप्स की ओर, देखते हैं क्या है पांचवा टिप्स। तो चलिए देखते हैं पांचवा टिप्स क्या है। तो गाइज हमारा यहाँ पे पांचवा टिप्स ये है, पैन पराग और ये आप लोग उठाते हो ना, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमेशा पैन पराग ये सब बैट वगैरह उठाया कीजिएगा, ठीक है। पैन पराग का यूज़ क्या है मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। इस वीडियो में देखिए, जब भी आप दौड़ोगे तो इस तरह पैन लेकर के दौड़ो। अगर आपके पीछे एनिमी है तो आपको पैन हाथ में नहीं पीछे रख के दौड़ना है। इससे क्या होगा, जो पीछे से जो गोली मार रहा होगा एनिमी, आपके अधिकतर गोली पैन में लगेंगे और आपका एचपी कम नहीं होगा, ठीक है। आपका एचपी कम नहीं होगा, आप चाहे तो इसे ट्राई करके देख सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है दोस्तों। आप हमेशा जब भी अगर दौड़ोगे, अगर आपके पीछे एनिमी है गोली मार रहा आपको, अगर आपको जोन में भागना है तो आप हमेशा, अगर पैन है आपके पास या पराग है, जिसे पराग भी एक होता है ना, पराग होता है कटाना के जैसा ही होता है, मोटा थोड़ा सा, उसे आप हमेशा अपने पीछे रख लिया करो और छोटू गन करके दौड़ा करो, ठीक है। जिससे क्या होगा, आपकी कुछ गोलियाँ पैन में लगेगी और आपका एचपी बचा रहेगा। हेलो, अगर आपको ये पांचों टिप्स अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ऐसी वीडियो, ऐसे टिप्स फ्री फायर के और चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो नीचे दिए गए लाइक बटन पर क्लिक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए भाई लोग, दोस्तों हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए। आपके इस एक लाइक से हमारा बहुत सारा मोटिवेशन बढ़ता है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और हमारे वीडियो को आप लाइक करेंगे। तो बाय बाय दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।